गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम आए नागेश्वर। आपने द्वारका वाला व्लॉग देखा तो उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। तो ये सीरीज पूरी कंटिन्यू रहेगी। सभी लिए यहाँ पे एक मूर्ति है, देखो शिव भगवान की कितनी ऊंची। भाई ये इतना कैमरा में वाइड एंगल है इसलिए कवर हो पा रहा है, मतलब यहाँ से पूरे, मतलब लास्ट टाइम जब मैं आया तो सब कलर वलर था ना, आज तो एकदम मस्त कलर वलर करके रखा है, अब जोरदार लग रहा है भाई। और इस बार अंदर भी जाने दे रहे हैं, लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया 3-4 साल पहले तो यहाँ से ही फोटो खींच रहे थे। देखो देखो मूर्ति, तो ये जो मूर्ति है 115 फीट ऊंची और 25 फीट चौड़ी, देखो। और वहाँ पे ज्योतिर्लिंग देख रहे हो ध्वजा यहाँ पे। अभी सबसे पहले जाओ थोड़े दो फोटो खींचते हैं, फिर चलते आगे मंदिर की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे फोटो शूट हो चुका है, अभी चलते हैं मंदिर की ओर। तो इसके मंदिर के बारे में, ज्योतिर्लिंग के बारे में बहुत से कंफ्यूजन थे, तो आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके बताओ। अभी इसके बारे में जब दर्शन हो जाए तो उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, चलो मंदिर में दर्शन करें। पहले यहाँ से जूते उतारते हैं यहाँ पे, फिर दर्शन करते हैं, ठीक है। तो अभी मंदिर में जाने का रास्ता ये इधर है, जाली वाले सब इधर बना के रखे ताकि इनकेस ट्रैफिक हो जाए तो ट्रैफिक मैनेजमेंट भी रहे यहाँ पे, ठीक है। चलो दिस वन इज फॉर लेडीज लाइन और ये जेंट्स के लिए, सब बताते रहेंगे, ठीक है। चलो ना, ये दोनों लाइन तो एक हो गई भाई, ऊपर हो गया हमारा भाई। तो यहाँ पे सब मार्केट है, आप सब कोई भी चीज़ लेना चाहो तो ले सकते हैं। यहाँ पे माला वाला सब कलश देखो सब मिल जाता है, सब कुछ अवेलेबल है इधर। चलो यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, हाल वाल लेना चाहो तो, लेकिन अपने को जरूरत नहीं है क्योंकि महादेव अपने को ऐसे ही पहचानते हैं, ठीक है। यहाँ पे मंदिर परिसर में घूम रहा था, मुझे एक बंदे की फोटो दिखी, पता है कौन, आप सब पहचानते हो, देखो भूषण कुमार टी सीरीज के ओनर है भूषण कुमार, उनकी भी प्रतिमा यहाँ पे लगी हुई, क्योंकि ये भी शायद शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, इनको आतंकवादी ने मरवा दिया था और बहुत मुश्किल से इनकी उसकी वो शिवलिंग की फ़ोटो ली, मतलब प्रतिमा वीडियो ली है प्रतिमा की। तो ठीक है, सिक्योरिटी वाला चिल्लाया जा रहा था मुझ पर, फिर भी मैंने ले ली। यहाँ पे एक और माता जी है, चौड़ागढ़ पंचकमेटी श्री बड़ी माता श्री मंदिर राम मंदिर छोटे बाजार श्री बड़ी माता मंदिर नाम है इसका, बड़ी माता। मुझे तो ये अम्बे माँ दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। अब जो होगा सो देख लेंगे। चलो अभी यहाँ से बाहर की ओर चलते, ठीक है। तो मंदिर के पीछे आए अभी हम, यहाँ पे एक लेक है, देखो दिखा दो और को, ये लेक है यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हवन कुंड है, आप गुप्तदान भी कर सकते हो, यज्ञशाला हवन कुंड। मैं यहाँ शांति से बैठा हूँ, अभी मैं आपको इसकी कहानी बता दूँ, क्या इसकी कहानी है कि जब ये बहुत बरसों पुरानी बात है, सुप्रिया नामक एक व्यक्ति था जो शिव की बड़ी भक्त और शिव का बड़ा बहुत बड़ा भक्त था, तो हर रोज़ वो शिव की आराधना करना नहीं चूकता था, शिव की आराधना करता था। तो और हर रोज़ ये यहाँ पे पीछे की ओर ये नदी है, वो नदी यहाँ से क्रॉस करता था वो,
तो यहाँ पे एक राक्षस भी था, तो वो यह नदी जो सुपीरियर और उसके आदमी उस नहर से क्या नदी क्रॉस करते तो वो उसको पसंद नहीं था। तो एक बार सुपीरियर और राक्षस ने और सुपीरियर और उनके आदमी को अपहरण कर लिया, अपहरण करके उनको बहुत प्रताड़ित किया, शारीरिक प्रताड़ित किया और मानसिक भी परेशान बहुत किया। तो फिर लेकिन जब वो इतना सब करता है राक्षस, तो सुपीरिया ने उनके आदमी और सुपीरिया ने उनके आदमी को शिव की भक्ति सिखा दी, वो शिव की भक्ति में लीन हो गए सब। तो ये गुस्सा उसका राक्षस का और बढ़ गया। फिर जब राक्षस ने उनको मारने की बात की तो फिर भी वो सुपीरिया मतलब अपनी भक्ति में लीन रहे, उस कुछ भी नहीं बोला। फिर जब मारने की बात आई, मारने वाले जब आए राक्षस, तो अचानक शिव प्रकट हो गए, शिव प्रकट हो गए और उनको शक्ति दी सुपीरिया को, फिर ताकि वो राक्षसों को मार सके। वो सिल्वर प्रतिमा आपने देखी होगी, तो सिल्वर के रूप सिल्वर कलर के शिवजी प्रता मतलब ऐसा मैंने सुना है, मतलब विकीपीडिया पे मैंने ऐसा पढ़ा है कि सिल्वर कलर के शिवजी उत्पन्न हुए और उनको शक्ति दी, तब से ये मंदिर यहाँ पे स्थित है। और श्री कृष्ण भी इस मंदिर की मतलब इस मंदिर की जो अभिषेक करने के लिए आते रहते। तो अब इस मंदिर में आपको अभिषेक करना हो तो आपको लुंगी पहनना फर्ज जाते हो, वो धोती पहनना फर्ज जाते हो। और यहाँ पे सिक्योरिटी काफ़ी है, देखो सब जगह सिक्योरिटी है, ठीक है। तो ये इसकी कहानी थी, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अब मेरी एक और कन्फ्यूजन है, पता है क्या, कि ज्योतिर्लिंग है या नहीं। मतलब तो लोग कह रहे थे कि गुजरात में एक ही ज्योतिर्लिंग है, लेकिन जो है यहाँ पे सब लोग इसको ज्योतिर्लिंग ही मानते हैं इस मंदिर को। तो आप लोगों को पता हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे इस बारे में नहीं पता है। और जो मेरे पास जो शिव जी की प्रतिमा है उसमें 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम है, ऐसा नहीं है, पर इसमें उस प्रतिमा में इसमें कहीं इसका कहीं नाम नहीं है। तो आई डोंट नो ये है या नहीं ज्योतिर्लिंग, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस रहा। नेक्स्ट वीडियो होने वाला है हमारा द्वारका का, जो कि एपिसोड रहेगा 3, ठीक है। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.